राजधानी देहरादून में व्यापारी वर्ग ने फड़ बाजार को लेकर विरोध मार्च निकाला है। पल्टन बाजार में स्थानीय व्यापारियों ने फड़ बाजार पर कार्रवाई की मांग की है, जहां फड़ बाजार के चलते स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि फड़ बाजार नगर निगम के आदेश के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि फड़ लगाने वाले राज्य के बाहर के लोग हैं, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं किया है। वहीं फड़ बाजार लगाने से व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को पूरा टैक्स देते हैं, जबकि फड़ वाले दो नंबर का सामान लाते हैं और आधे दामों पर सामान बेचते हैं। वहीं बड़े पूंजी लगाकर ब्रांडेड शोरूम के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। व्यापारियों का आगे कहना है कि दुकान का खर्चे निकालना तक मुश्किल है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। गैर कानूनी तरीके से अवैध फड़ माफिया द्वारा संचालित किया जा रहा है। मैं पिछले 6 महीने से इसके पीछे लगा हूं और 26 मई को मैं प्रशासन के साथ बात करके इसको बंद भी कराया। 27 मई को ये बाजार बंद हो गया था, 3 सितंबर को ये बाजार दोबारा से फिर से खुल गया। कोई इनके पास आदेश नहीं है, कहीं इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पश्चात भी इन्होंने इस बाजार को खोला। खोलने के बाद फिर हमारी दोबारा से नगर मैजिस्ट्रेट से बात हुई। मैंने कहा, मैडम जब आपने इसे 26-27 तारीख को बंद किया, फिर इसे दोबारा क्यों खोला गया?